नमस्कार, हम रोज आपको जुर्म की खबरें दिखाते हैं, लेकिन आज जो आपके सामने हम लेकर आए हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। आज हम बात रांची की करेंगे, एक ऐसे शहर की जो झारखंड की राजधानी भी है, जहां सूबे के मुखिया रहते हैं, पुलिस महकमे के मुखिया रहते हैं, लेकिन जुर्म है कि चलता रहता है, होता रहता है। युवाओं को इसका शिकार बनाया जाता है, भोले भाले लोगों को ठगा जाता है, और यह सारा कुछ बाकायदा अखबारों में विज्ञापन देकर किया जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि खुलेआम खूबसूरत जुर्म को अंजाम दिया जाता है और इसकी भनक पुलिस को नहीं हो। अगर पुलिस को इसकी भनक नहीं है तो फिर यह एक बड़ा सवाल है। सवाल पुलिस पर है, प्रशासन के ऊपर है, जिसके होते हुए इस हसीन जुर्म को लोग बाकायदा अंजाम दे रहे हैं। तो चलिए बाजार के इस खेल को समझने की कोशिश करते हैं। एक शहर जहां सजता है बाजार, लगती है मंडी, खेलते हैं खिलाड़ी, मोहरा बनते हैं युवा, और अनजान बनी रहती है पुलिस। महज एक कॉल, और फिर खेल शुरू। क्या है ये खेल? कौन है खिलाड़ी? और कौन है मोहरे? आज हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बता दें, आप रोज अखबार पढ़ते होंगे, इन अखबारों में विज्ञापन भी देखते होंगे, छपा होता है, हर अखबार में होता है, ये बिल्कुल आम बात है, कॉमन सी बात है। लेकिन आज हम जिस विज्ञापन की बात करने जा रहे हैं उस विज्ञापन का मतलब कुछ और ही होता है। लिखा कुछ जाता है और फिर होता कुछ और है। चलिए इस खेल पर एक नजर डालते हैं, फिर सारा माजरा आप खुद ही समझ जाएंगे आखिर है क्या। झारखंड की राजधानी रांची, आज हम आपको रांची की वो हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे आपने अभी तक नहीं देखा होगा। भोले भाले लोगों को फंसाया जाता है, फिर उनकी जेब से पैसे ऐंठे जाते हैं। मामला यहीं तक का नहीं है, ये तो सिक्के का केवल एक पहलू है। अब ये जानकर चौंक जाएंगे कि दोस्ती के नाम पर यहाँ जिस्म परोसा जाता है। अखबारों में आपने अक्सर खबर देखी हो, इन अखबारों में फ्रेंडशिप के लिए नंबर दिए होते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप के नाम पर लोगों को शिकार बनाया जाता है, और बाकायदा इसके लिए नए तरीकों का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके लिए पैसों का लेन देन भी होता है, मगर अब उसके तरीके बदल गए हैं। जिस्म के ये सौदागर नई तकनीक का इस्तेमाल करने लगे हैं। हम आपको इनके पैसों के लेन देन का भी तरीका बताएंगे, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये सब राजधानी में होता है, वहाँ जहाँ सूबे के आला अधिकारी रहते हैं, जो इलाका VIP माना जाता है, लेकिन किसी को इसकी खबर नहीं होती। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल गलत हैं। इन लोगों का दावा है कि पुलिस कुछ नहीं करती, जबकि उसे सब पता है, साफ है, पैठ गहरी है। कितनी गहरी, हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे ये सारा खेल चलता है। मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। रांची के जिस मामले का खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं, इस पूरे मामले पर मेहनत की हमारे संवाददाता मनीष मेहता ने। जी हाँ, मनीष ने खुद जाकर सच्चाई की तहकीकात की, पता किया कि इस मामले की हकीकत कितनी है। चलिए मनीष की कोशिश को हम भी देखते हैं।
रांची में जिस्म का कारोबार अब बहुत ही आसानी से चल रहा है, और गौर करने वाली बात यह है कि जो शहर के पौश इलाके हैं, फिर चाहे वो कांके रोड हो, बरियातू या फिर करमटुली चौक, ऐसे तमाम जगह जो काफ़ी पौश माने जाते थे, आज के तारीख में इन सेक्स रैकेट चलाने वालों के लिए सबसे बड़ा सेफ जोन बन गया है। लेकिन पुलिस क्या कर रही, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहीं पर उठ खड़ा हो रहा है। और जिस तरीके से हमने स्टिंग ऑपरेशंस में दिखाया आपको कि पुलिस की भूमिका किस तरीके से है, और कैसे दलाल इतने कॉन्फिडेंट है कि वो साफ कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होगी तो पुलिस के ज़रिए ही उन्हें सही समय पर सूचना मिल जाएगी, इसके बाद सवाल और ज़्यादा उठना लाजमी है। ऐसे में अब देखना यह है कि रांची पुलिस इस स्टिंग ऑपरेशन को देखने के बाद क्या कार्रवाई करती है, साथ ही साथ जो भी पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में दोषी है, क्या उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होती है, एक अहम सवाल। कैमरा पर्सन अरुण और अपने सहयोगी विशाल के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। आपने मनीष को सुना, उनकी बातों को भी सुना। अगर आपने इन बातों पर गौर किया होगा तो मनीष ने इसमें कई खुलासे किए हैं। ये हम आपको आने वाले वक्त में बताएंगे और दिखाएंगे भी कि वो खुलासे क्या थे और किनके बारे में मनीष ने बात की थी। बहरहाल, अखबारों में इन विज्ञापनों को देखने के बाद मनीष ने इनकी सच्चाई जानने की कोशिश की। जो अखबार में विज्ञापन दिए गए थे उन्हीं नंबर पर मनीष ने कॉल किया और फिर उनके एजेंट से बात की, और तब मामला कुछ और ही सामने आया। आप भी बातचीत सुनिए। नंबर है 775988-0674। दूसरा नंबर जो हमने लगाया है वो है 775988-0674। रिंग हो रही है। हेलो, हाँ बोलिए। ये उजाला फ्रेंडशिप क्लब से बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? हम लोग रांची से बोल रहे हैं। आप सर कौन सा जिला बोले? रांची, झारखंड का रांची। हाँ, रांची से। जी जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कॉल कीजिए सर, हम आपको डिटेल बता रहे हैं, ठीक है? क्या बोल रहे हैं आप? 5 मिनट में कॉल कीजिए सर, हम डिटेल बता रहे हैं आपको। 5 मिनट में कॉल करें? जी हाँ, ठीक है। रांची से बोल रहे हो ना? हाँ, रांची से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, 5 मिनट में कॉल कीजिए। ठीक। तो आपने ये बातचीत सुनी। दरअसल ये जो एजेंट होते हैं वो बड़े शातिर होते हैं। पहले वे अपने ग्राहकों की तहकीकात भी करते हैं। मनीष को 5 मिनट रुकने के लिए इसीलिए कहा गया। अगर एजेंट चाहता तो मनीष के साथ उसकी बात लगातार हो सकती थी, लेकिन एजेंट पूरी तैयारी के साथ सामने आना चाहता है अपने ग्राहकों के पास। मनीष उनके सामने ग्राहक बनकर पहुँचे थे, उनसे बात कर रहे थे, और जब एजेंट ने 5 मिनट इंतज़ार करने को कहा तो मनीष ने इंतजार भी किया और फिर 10 मिनट के बाद दोबारा कॉल लगाया। आप जरा खुद देखिए। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। बॉस, अभी 10 मिनट पहले दूसरा नंबर पर बात हुआ था, बोला 5 मिनट में डिटेल दे रहे हैं, फिर फोन कर रहे हैं, नंबर ही नहीं लग रहा है, लगातार भी इंगेज बता रहा है। तो आप कहाँ से बोल रहे थे? आप रांची से बोल रहे हैं? रांची से बोल रहे हैं। तो सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मनीष। जी, हमारी कंपनी में आप जो है किस प्रोफाइल के लिए काम कीजिएगा? एक होता है इनकम करना, ठीक है, एक होता है कि इनकम सिर्फ एंजॉयमेंट। क्या कीजिएगा बोलिए? क्या होता है इनकम? एक होता है एंजॉयमेंट करना, मोरल से, ठीक है, एक होता है कि जो है एंजॉयमेंट प्लस इनकम, पैसे कमाना। क्या कीजिएगा? पैसे कमाना चाहते हैं या फिर एंजॉयमेंट करना चाहते हैं? हम लोग तो एंजॉयमेंट वाले ही पार्टी है भाई। एंजॉयमेंट करना, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, सदस्य बता सकते हैं, ठीक है, 1650 रुपये। तो देखा आपने, सुनी बातें। इस जो ये रैकेट है, ये दो तरह से सेवाएं देते हैं, एक देते हैं इंजॉयमेंट की और दूसरी देते हैं इनकम की। मतलब अगर आप इनके क्लब की, इनकी कंपनी की सदस्यता को लेते हैं, उसके मेंबर बनते हैं, तो आपको दो तरह से पेश होना होगा। या तो आपको आमदनी चाहिए
या आप इंजॉय करना चाहते हैं, इसके बाद इसकी कीमत तय की जाती है। लेकिन कीमत देने का तरीका क्या होता है ये सुनकर भी आप चौंक जाएंगे, क्योंकि अब तक ऐसे मामलों में या तो बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए जाते थे या कोई और तरीका, वो मनी ऑर्डर का या कोई और ऐसे तरीका अपनाते थे। लेकिन अब ये जो एजेंट हैं वो हाईटेक हो गए हैं, वो भी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करने से नहीं चूक रहे। इन लोगों ने किन तरीकों का इस्तेमाल किया, कितने पैसे किस चीज के तय होते हैं, ये सारी बातें मनीष ने फोन पे रिकॉर्ड की, जो आपको हम सुनवाते हैं। 1650 रुपए। हाँ आपको 2 घंटे के लिए फिजिकल चेक करवाते हैं, करने के बाद ये मैडम आपको पेमेंट करती है 12,000, जिसमें कि 12,000 में 2,000 का कमीशन मेरा क्लब का होता है, 10,000 आपका होता है, ठीक है। इनकम के बारे आपको अगर इंजॉय करना है तो इसके लिए मैडम रहेगी कॉलेज गर्ल हॉस्टल गर्ल, मैडम की उम्र रहेगी 20-22 की मैडम मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको लगता है 1250 रुपया, आपको रांची में लालपुर चौक रात्री और दुरंटा ये आपको करवा देंगे। रांची में कहाँ बताया, लालपुर चौक रातू रोड डरंडा। अच्छा तो एक चीज बताइए बॉस कि इसमें क्या बोलते हैं जो आप बता रहे हैं 20 से 22 साल का, तो जैसे कॉलेज की लड़कियां भी रहती हैं क्या? कॉलेज का लड़की रहती है, हाउसवाइफ की मिलेगी आपको दूसरे बार में, ठीक है। पहले कॉलेज गर्ल हॉस्टल गर्ल शेयर गर्ल्स ये डॉक्टर इंजीनियर की बेटी रहती है, ठीक है। आपको 1250 रुपए के पहले मनी कराना है। अच्छा 1250 रुपए, तो कैसे देना होगा पैसा? आपको जहाँ पे ईजी रिचार्ज करवाते हैं ना उसके दुकान में आपको मिलेगा एयरटेल मनी, आपको एयरटेल मनी कराना है, ठीक है। 1250 का 1250 का एयरटेल मनी करा देंगे। अच्छा एक चीज बताइए तो 1250 का एयरटेल मनी किस नंबर पे कराएंगे? आपको बॉस के नंबर एसएमएस कर देंगे, उस पे करा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा तो फिर जैसे नंबर है आप मेरे को कर दीजिएगा, मान लीजिए हम पैसा दे दिए, उसके बाद? उसके बाद मैम का नंबर, आईडी नंबर, कोड नंबर, पासवर्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एसएमएस करेंगे, मैम से बात होगी। आपको जहाँ पे रांची में आना है गोविंदपुर में आइएगा, लालपुर चौक रातू रोड में कहाँ कीजिएगा वहाँ करवा देंगे। नहीं हम ये पूछ रहे थे कि मान लीजिए जैसे कई मेरा दोस्त लोग पहले किया था इसमें फोन, सुन लीजिए बता रहे हैं दूसरा में, तो उसमें क्या हुआ कि पैसा डाल दिया, ठीक है। अब पैसा डालने के बाद नंबर उसका नॉट रीचेबल हो गया, तो और उसके बाद मतलब वो खोज रहा है पता ही नहीं चला, तो पता चला कि ना लड़की मिली और ना ही पैसा मिला। नहीं हम क्या कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए ना, हम कह रहे हैं कि पैसा कैश में ले लीजिए। हेलो आपने पूरी बातचीत सुनी, इस बातचीत में कुछ बातें निकल कर आई, मैं आपको फिर से याद दिला दूं। रांची में रातू रोड, लालपुर चौक और डोरंडा में तीन इलाके का, तीन जगहों का नाम लिया एजेंट ने। इसके अलावा हॉस्टल की रहने वाली लड़कियां, कॉलेज गर्ल इस रैकेट में शामिल हैं, साफ एजेंट ने बातचीत में बताया। इतना ही नहीं, इसने पैसे लेने का जो तरीका बताया वो बेहद ही नया था, एयरटेल मनी। जी हाँ, एयरटेल ने सुविधा लॉन्च की अपने ग्राहकों के लिए, लेकिन उसका फायदा ये एजेंट उठाने लगे, ये जिस्म के सौदागर उठाने लगे। इस टेक्नोलॉजी का वो खुद को भी अपडेट कर रहे हैं, वक्त के साथ चल रहे हैं, ताकि पुलिस उनको पकड़ ना सके। मैं पुलिस की बात क्यों कर रहा हूँ ये आगे आपको बताऊँगा, जिक्र ऐसा क्यों किया। एक बात और इसमें गौर करने वाली है कि हर चीज की कीमत तय होती है, ये तो आपने सुना। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन आगे कई और खुलासे भी बाकी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे संवाददाता मनीष मेहता ने बात की, सारी चीजें तय हो गई। इसके बाद मनीष खुद रांची की सड़कों पर तहकीकात करने निकल जाते हैं। निकलते इसलिए हैं खुद कि पता करना है कि रांची में ऐसे धंधे और कहां कहां हो रहे हैं। इसके बाद वो पहुंचते हैं रांची के करमटोली चौक के झील लॉज,
जी हाँ, झील लॉज इसलिए बताया जा रहा है, आपको पहले आपको एक चीज़ मैं दर्शकों को क्लियर कर दूं कि ये पुअर क्वालिटी का ऑडियो और वीडियो आपके सामने मिलेगा क्योंकि ये खुफिया कैमरे से किया गया था, इसलिए क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर है। लेकिन अब आपको स्टोरी के ऊपर आते हैं। मनीष ने तहकीकात की कि रांची में और कौन कौन से इलाके हैं जहां ये मामले चलाए जा रहे हैं। आपको हम इस इलाके के बारे में बता दें, जिन इलाकों को मनीष ने अपने कैमरे में कैद किया है, ये करम टोली चौक इलाका है, झील लॉज। इसकी खासियत क्या है अब आपको ये भी बताएं, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, इस इलाके से महज 1 किलोमीटर के दायरे में SSP और DC का आवास है। जी हाँ, 1 किलोमीटर की दूरी के आसपास, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी होगी मैक्सिमम, के आसपास SSP और DC का आवास है और वहाँ ये धंधा चल रहा है। आप देख सकते हैं कि मनीष इस झील लॉज के अंदर तक जाते हैं। जी हाँ, अंदर तक जाते हैं वो अपने सहयोगी के साथ और वहाँ जाकर पूरे मामले की तहकीकात करते हैं, जिसमें ये रैकेट का, इस खेल का, जिस्म की मंडी का खुलासा भी होता है और मनीष इसे सच पाते हैं। जी हाँ, ये इलाका पौश इलाका माना जाता है, और आपको एक और बड़ी बात बता दूं मैं, ये बताना बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर राजभवन और CM हाउस है। जी हाँ, मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर CM हाउस और राजभवन का राजभवन है और उसी के आसपास इस घटना को, ऐसे खेल को, घिनौने खेल को अंजाम दिया जाता है जो हमारे समाज के लिए, हमारे युवाओं के लिए बेहद ही खतरनाक है। ये उनके भविष्य के साथ, उनकी जेब के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक नहीं मिलती, पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो ऐसे खेल नहीं चलने चाहिए थे, ऐसे खेल चल रहे हैं और वो हमारे कैमरे में कैद हो रहे हैं। तो ये सवाल पुलिस पर है, उस प्रशासन पर है जो यहाँ आकर फेल्योर हो रहा है, जिसका सिस्टम यहाँ आकर ठप हो रहा है और ऐसे खेल को अंजाम दिया जा रहा है। जी हाँ, मनीष ने बहुत ही मेहनत करके इन चीज़ों को, इन तस्वीरों को, जीवंत तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है आप तक पहुँचाने के लिए और प्रशासन की आँख खोलने के लिए, ताकि वो हरकत में आए और इस खेल के ऊपर रोक लगाएं, जो ये खेल समाज को बर्बाद कर रहा है, बिगाड़ रहा है, उस खेल पर रोक लगाए, प्रशासन हरकत में आए। अब देखना ये है, इस तस्वीर को दिखाने के बाद प्रशासन की आंख खुलती है या नहीं। ये आपने वो इलाका देखा जहां पे धंधा चल रहा था, लेकिन ये कोई रांची का इकलौता ऐसा इलाका नहीं है जहां ऐसे धंधे चल रहे हो। मनीष खुद निकल पड़े और फिर आगे क्या हुआ आप खुद देखिए। पुलिस का भी तो डर है, जैसे होटल में जाएगा तो फिर पुलिस नहीं दिक्कत करेगा, वो रिक्स लेता है, लॉज वाला देता है, सबका बड़ा बाबू सर का सिटिंग है, दिक्कत नहीं करेगा। जैसे रातू रोड में जाएंगे तो रातू रोड वाला जो थाना है वो नहीं दिक्कत करेगा, उसको पता चलेगा था लॉज है तो वहाँ कोई भी आदमी रह सकता है, वो ना सफाई है कि यहाँ गलत करना है, नहीं अपना फैमिली के साथ कोई रह सकता है। जैसे कोई हॉस्पिटल आया, कोई दूरी से आया, किसी को रहने का मन है, दिन भर का रहना है, तो लॉजे है तो उसको देना काम ही है, कहाँ मिलेगा। तो राजभवन और CM हाउस के एकदम नज़दीक है तो पुलिस दिक्कत नहीं करता आप लोग को, सब सेटिंग हो गए इन लोगों का, पैसा लेता है हम लोग, सबका पैसा लेगा, हम लोग का आम पब्लिक रोड में रह सकता है, हम लोग का जैसे अभी खड़ा है तो हम लोग सब जाने के लिए सब तीन चारों खड़ा है, अकेले अकेले इधर उधर फिरते अपना का मामला था है। जैसे पकड़ लिया तो लेके चल जाएगा और क्या करेगा, जाकर पूछे क्या प्रूफ में पकड़ेगा, वो क्या साबुत है, दिख रहा काम करते हुए जाकर पकड़ लेगा रंगे हाथे, तबे तो गलत कर रहा है, रोड में था पब्लिक चल रहा है, क्यों क्या कर रहा है, इसको पकड़ने का उसका क्या काम है। खड़ा होने का फिर तो यहाँ पे आप लोग से लेता होगा ना मंथली ना, यहाँ का दादा लोग
लोग भी नहीं लेता है, कोई नहीं लेता, नहीं लेता। आपने ये बातचीत सुनी, इसमें मनीष ने एक महिला के साथ बातचीत की है। ये महिला ऐसे लोगों को, ऐसे कॉल गर्ल को मुहैया करवाती है। मनीष खुद रांची की सड़कों पर निकलते हैं और तहकीकात करते हैं। उसी दौरान मनीष की मुलाकात इस महिला से होती है और फिर दोनों के बीच में बातचीत होती है। बातचीत में आपने गौर किया होगा, मनीष ने साफ सवाल किया था कि इस इलाके में राजभवन और सीएम हाउस है, मतलब ये इलाका राजभवन और सीएम हाउस है, ऐसे में क्या आपको दिक्कत नहीं होती, पुलिस नहीं पकड़ती? आपने देखा महिला ने क्या जवाब दिया। इसके बाद आगे क्या बातचीत होती है आप उसे भी सुनिए। शहर की लड़की लोग हो, जैसे बड़ा बड़ा कॉलेज उलेज में पढ़ने वाली, अच्छे घर की, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 भी दिया जाएगा। आप लोग के पास कितना वाला है? ये सब तो यही है, रोटी वाली बकरी, यहाँ का भी एक दो अच्छे अच्छे हैं, कोई 4 बजे सब्जी का बाहर ना खा, कोई आके भी यहाँ रोड में नहीं रखती है, इधर उधर फोन से तो ये लोग तो जानते हैं, लोग तो देखने से बोल देंगे ना, फिर वही मीटिंग में सब चल जाएगा। तो उसमें कितना पैसा लगता है? 1,000 रुपया लगता है। 1,000 रुपये में रूम सब मिला के, रूम मिला के 300-400 रूम वाला लगता है। 1,000 में क्या रात भर? रात काम तो रूम कहाँ मिलता है? बहुत सारा रूम, जैसे बड़े एयरपोर्ट में है, ओवर ब्रिज में है, वहाँ गर्म में है। मतलब क्या वहाँ पर घर है कि होटल है? होटल। होटल वाला बोलेगा नहीं कहाँ होटल है, जानता है कि लोग आएगी होता है। मतलब अच्छा होटल है, घटिया होटल है? जैसे 400 रुपया लेता है, और कौन घटिया होटल मिल जाएगी? एक दो को नाम हो सकता है, किसी के 5 मिनट में काम हो जाएगा, तो 5 मिनट का नाम लेता है 400 रुपया। तो सुना आपने, 400 रुपये लिए जाते हैं होटल के कमरे के लिए, और चीजें तय होती हैं, फिक्स होती हैं, होटल वालों के साथ सेटिंग भी होती है। आगे की बातचीत भी आप जरा सुन लीजिए। कौन सा होटल है? इस जगह 2-3 होटल है, एक तो आकाशवाणी है, एक तो इस जगह है, एक नाम का अशोक पार्टी है। में वाला का क्या नाम है? डोरंडा में नहीं है, हिंदू में है, वहाँ भी 400 रुपया लगता है। वहाँ नीचे है कपड़ा दुकान, और ऊपर में तो हिंदू में कहाँ पे दीदी कपड़ा वाला है? कहाँ पे आएगा? हाँ उसे लड़की तब ना बाबा, नहीं बन से कहाँ लोग। हमने इस पूरे मामले में पुलिस के बारे में जिक्र किया था, क्यों किया था अब आपको वही बताते हैं। दरअसल इस पूरे खेल में पुलिस की भूमिका क्या होती है, हम महिला की वो बाइट सुनाते हैं जिसमें वो पुलिस के बारे में बोल रही है, बता रही है कि पुलिस जब आती है तो फिर उससे कैसे निपटा जाता है। पुलिस दिक्कत नहीं करता आप लोग को यहाँ पे? पैसा खुजता है? जैसे लॉज यूज में जो बोल रही हैं आप, लॉज यूज में ये लोग का बस का बात नहीं ना है, कि तो पकड़ लेगा हम लाएगा क्या है? ये लॉज चला रहा है, पैसा देता है ना किसको? जहाँ जहाँ देना है क्षमा देता है? नहीं, जब होगा तो बाहर का आएगा, तब बाहर का आएगा तब तक इसको पता हो जाएगा। हम लोग ऐसा सोच समझ के कामे किया है, तो अगर बनाबो किया है, एक तरफ से चढ़ेगा तो एक तरफ से आपको उतरा देगा, पत्तो नहीं चलेगा। कभी हुआ है ऐसा आप लोग के साथ? हम लोग के साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन होता है कि मतलब जैसे कभी रेड हो गया तो अगर इधर से चढ़ रहा है तो आपको दूसरा तरफ से उतरा देगा, पत्ते नहीं चलेगा। तो आज आपने वो सच देखा जिसे हमने आपके सामने लाने की कोशिश की है। देखना ये है कि इस सच को दिखाने के बाद पुलिस क्या करती है, क्या वो इस खेल पर रोक लगा पाती है या नहीं।
जवाब पुलिस के पास ही है। बहरहाल इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।